सिंगरौली जिले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने सेवा दल अध्यक्ष रूपेश चंद्र पांडे, पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा, पूर्व सांसद मानिक सिंह की मौजूदगी में 143 पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शामिल रहे हैं। पदाधिकारियों की सूची जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंगरौली शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व राहुल भैया के निर्देश पर कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 13 जुलाई को सीधी सिंगरौली के NCL हेडक्वार्टर मोरवा में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस के निर्देश पर माननीय अजय सिंह राहुल भैया के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। 13 तारीख को हम लोग मोरवा में NCL अस्पताल के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि अब सिंगरौली चुप रहने वाली नहीं है। सीधी सिंगरौली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, आवागमन बंद हो गया है, लोगों को भारी दिक्कत और किल्लत हो रही है और ये जल्दी इसकी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।